नेक्स्ट इज ल्यूकोसाइट एंड डब्ल्यूबीसी। ठीक है, जो डब्ल्यूबीसी होती है वो राउंड इन शेप में होती है एंड अमीबोइड। ठीक है, इनके पास न्यूक्लियस होता है और ये नॉन पिगमेंटेड सेल होती है, सो दे अपीयर वाइट इन कलर। ठीक है, ये वेंडिंग सेल होती है और ये ब्लड कैपिलरीज से वेंडर करके उनसे बाहर आ जाती है बाय अमीबोइड मूवमेंट। ठीक है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है डायपेडेसिस। ठीक है, जो हमारी ल्यूकोसाइट होती है उनकी साइज होती है 8 to 15 माइक्रोमीटर और कहाँ तक हो सकती है अप टू 20 माइक्रोमीटर। जो टोटल नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट काउंट होते हैं वो होते हैं 5000 to 10000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। और यदि जो डब्ल्यू बी सी होती है इनका नंबर राइज होता है, ठीक है, डब्ल्यू बी सी के काउंट राइज होता है तो उसको कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, और इनका नंबर फॉल होता है तो उसको बोलते हैं ल्यूकोपोनिया। ठीक है, जो ल्यूकोसाइट होती है उनकी फॉर्मेशन लिम्फ नोड, बोन मैरो एंड पेयर पेचिस में होती है। ठीक है, और जिस प्रोसेस से इसकी फॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं ल्यूकोपोयोसिस। ठीक है, जो अर्थ्रोसाइट्स की फॉर्मेशन हो रही थी हम उसको अर्थ्रोपोयोसिस बोल रहे थे, और जो ल्यूकोसाइट की फॉर्मेशन हो रही है उसको ल्यूकोपोयोसिस बोल रहे हैं। ल्यूकोसाइट्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक ग्रैनुलोसाइट एंड एक एग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट आर दोज, ये वो सेल्स होती हैं डब्ल्यूबीसी की जिनके साइटोप्लाज्मा में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड दीज ग्रैन्यूल्स आर एसिडोफिलिक एंड बेसोफिलिक्स। और ए ग्रैनुलोसाइट वो सेल्स होती हैं जिनके साइटोप्लाज्मा में ग्रैन्यूल्स अब्सेंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ग्रैनुलोसाइट, दीज हैव ग्रैन्यूलर साइटोप्लाज्मा और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो लोब होता है, मीन्स जो न्यूक्लियस होगा उसमें लोब प्रेजेंट होंगी, बायलोब मीन्स या तो दो लोब होंगी या दो से ज्यादा होंगे, बायलोब या मल्टीलोब। ठीक है, जो ग्रैनुलोसाइट प्रोड्यूस होते हैं वो बोन मैरोज में होते हैं। ठीक है, जो टोटल ल्यूकोसाइट्स का काउंट होता है उसका 65% ग्रैनुलोसाइट होते हैं। ठीक है, और जो ग्रैनुलोसाइट्स के जो नंबर इंक्रीज होता है उसको बोला जाता है ग्रैनुलोसाइटोसिस एंड, और इनका नंबर जब डिक्रीज होता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है ग्रैनुलोसाइटोपेनिया। ठीक है, जो ग्रैनुलोसाइट होते हैं वो थ्री टाइप के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स जिसको हेट्रोफिल्स भी कहा जाता है, बेसोफिल्स एंड साइनोफिल्स। ठीक, एंड थर्ड इज एसिडोफिल्स। ठीक है, जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो टोटल डब्ल्यूबीसी का 62% कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ठीक है, और इनका साइज होता है 10 to 12 माइक्रोमीटर। ठीक, और इनका नंबर होता है 4900 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। ठीक है, और इनका जो ये ग्रैनुलोसाइट सेल है मीन्स ये न्यूट्रोफिल्स है और ये साइटोप्लाज्मा है जिसमें ग्रैनुल्स प्रेजेंट हैं और जो न्यूक्लियस है वो बायलोब है। ठीक है, और इसको जब स्टेन किया जाता है एसिड और बेसिक डाई से तो ये वॉयलेट कलर की अपियरेंस देता है। ठीक है, और इनकी लाइफ स्पैन होती है 10 to 12 आवर्स। इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये फैगोसिटिक सेल्स होती हैं, जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडीज में एंटर करता है तो उसको फैगोसाइटाइज करते हैं। ठीक है, मींस ये हमें डिजीज रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सेकंड आता है बेसोफिल, बेसिलोफिल्स या साइनोफिल्स, और जिनका जो टोटल डब्ल्यूबीसी है उसका काउंट है 0.5 to 2%, मींस सबसे कम इनका है। ठीक है, और इनकी साइज रेंज है 8 to 10 माइक्रोमीटर, और जो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स होते हैं वो कोरस होते हैं और ये जो कोरस ग्रैन्यूल्स होते हैं विच टेक अप बेसिक स्ट्रेन। ठीक है, बेसिक स्ट्रेन कौन सी होती है, मिथाइलिन ब्लू, जिसके कारण इसका ब्लू कलर अपियर होता है। इनके लाइफ स्पेन 8 to 12 आवर्स होती हैं, और ये जो सेल होती हैं ये जो सिक्रेट करती है हेपरिन एंड हिस्टामिन।
ठीक है। और जो हेपरिन और हिस्टामिन होते हैं हमारे एंटीकोगुलेंट होते हैं, ठीक है, ये ब्लड की कोगुलेशन को प्रिवेंट करते हैं। सो इनका मेन फंक्शन एंटीकोगुलेशन में होता है, ठीक है। थर्ड ल्यूकोसाइट है वो एसिड ग्रेनुलोसाइट का टाइप है, वो एसिडोफिल्स है। ये हमारा 2 to 4% ऑफ टीएलसी की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और इनका साइज स्लाइटली लार्ज होता है देन बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। और जो साइज रेंज होती है वो होती है 10 to 15 माइक्रोमीटर। और इनका जो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होता है वो कोरस होता है और ये टेक करता है एसिडिक डाई को, ठीक है, और एसिडिक स्टेन को। और कौन सी स्टेन होती है? इओसिन, ठीक है, जो ऑरेंज इन कलर में होती है, और इसीलिए इसका नाम इओसिनोफिल्स भी रखा गया है, ठीक है। ये मेनली जो हमारी एलर्जिक डिजीज होती है उनको प्रिवेंट करने में हेल्प करती है, ठीक है। और जब भी कोई एलर्जिक एजेंट इन्वेड्स करता है तो इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और ये पैरासाइट इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट करने में हमारे लिए हेल्पफुल है, ठीक है। जो इस ईएसएनओफिल्स होते हैं ये ग्रेन्यूल्स कॉन्टेन करते हैं किसका? प्रोफिब्रिनोलाइसिन्स का, ठीक है। जो हमारी फिब्रिन होती है, जो ब्लड क्लॉटिंग के दौरान फॉर्मेशन होती है इसकी फिब्रिन की, उसको डिजोल्व करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है, विच डिजोल्व द ब्लड क्लॉट। सेकेंड टाइप जो ल्यूकोसाइट्स का आता है वो होता है ए ग्रेन्युलोसाइट। इनके साइटोप्लाज्मा में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होता है। जो न्यूक्लियस होता है राउंड होता है एंड लार्ज इन साइज बट नो लोब, मीन्स लोब यहाँ पर एब्सेंट होती है, ठीक है। और इनकी जो कंपोजिशन होती है ल्यूकोसाइट में 35% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट्स की होती है। इसके टू सब टाइप होते हैं, एक होता है मोनोसाइट और सेकेंड होता है लिम्फोसाइट, ठीक है। मोनोसाइट का जो साइज रेंज होता है 12 to 15 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। और जो मोनोसाइट कंपोज करता है ल्यूकोसाइट काउंट का 5.3% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट, ठीक है। और इनके नंबर होते हैं 100 to 400 पर क्यूबिक mm। जो न्यूक्लियस होता है वो ओवल होता है, किडनी और हॉर्स शेप, मीन्स इनके साइटोप्लाज्मा में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है, न्यूक्लियस है वो लार्ज है एंड ओवल इन शेप है, ठीक है। इनकी फॉर्मेशन बोन मैरो में, लिम्फ नोड में एंड स्प्लेन में होती है, ठीक है। ये जो मोनोसाइट सेल होती है हाईली मोटाइल होती है एंड फैगोसिटिक इन सेक्शन, ठीक है। ये सेल मीडिएट एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इन्वेड करते हैं उनको जो मोनोसाइट है उनका एक्शन होता है उन पर, और ये फेगोसाइटाइज करते हैं उन बैक्टीरियाज को, ठीक है। और इसको सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट हमारा ए ग्रेन्युलोसाइट है वो लिम्फोसाइट है। जो हमारे टोटल टीएलसी का काउंट है उसका 30% लिम्फोसाइट से कंपोज होता है, मीन्स जो हमारे ब्लड में वॉल्यूम होती है 1500 से 2700 mm पर mm क्यूब, ठीक है। न्यूक्लियस इसका लार्ज होता है एंड राउंड इन शेप होता है। और जो साइटोप्लाज्मा होता है ए ग्रेन्यूल, मीन्स इनमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं और लाइफ स्पेन होते हैं इनका मंथ टू ईयर, ठीक है। इनकी फॉर्मेशन थाइमस और लिम्फोइड टिश्यू में अकर होती है, ठीक है। और इनका मेन रोल होता है वो इम्यून सिस्टम में होता है, ठीक है। जो टी लिम्फोसाइट होते हैं वो 3 टाइप की सेल प्रोड्यूस करते हैं, किलर टी सेल, हेल्पर टी सेल एंड सप्रेसर टी सेल, ठीक है। और जो बी लिम्फोसाइट होती हैं वो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करते हैं, और जो इसको क्या कहा जाता है? ह्यूमरल इम्यून सिस्टम, ठीक है।
जो हमारी किलर टी सेल होती है, टी लिम्फोसाइट्स की, ये जो हमारे माइक्रोब्स बॉडी में इन्वेड करते हैं, उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, सेकेंड है हमारा हेल्पर टी सेल। जो हेल्पर टी सेल होती है वह हमारे बी लिम्फोसाइट में बी सेल को स्टूमुलेट करती है, ताकि हमारी एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हो। ठीक है, स्टूमुलेट बी सेल। ठीक है, और दैट इज ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। एंड जो सप्रेसर टी सेल होती है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है, सप्रेस द इम्यून सिस्टम। सप्रेस द इम्यून सिस्टम टू प्रोटेक्ट वन बॉडी सेल फ्रॉम इम्यून सिस्टम। मीन्स जो हमारी मीन्स ये प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी सेल ही एंटीजन की तरह बिहेव ना करे, और उसी पर ही हमारे इम्यून सिस्टम एक्ट ना करे। ठीक है, कि जो हमारी बॉडी में जो सेल है वो एंटीजन की तरह बिहेव ना करे। ठीक है, और उन पर ही जो हमारे एंटीबॉडीज हैं वो एक्ट ना करे, मीन्स इम्यून सिस्टम एक्ट ना करे। ठीक है, थर्ड टाइप की जो कर्पसल्स है वो है प्लेटलेट्स। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स, ये स्मॉलेस्ट साइज की ब्लड कर्पसल्स होती हैं, और इनका साइज होता है 2 to 4 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, ये कलरलेस होती हैं, मीन्स कलर इनमें एबसेंट होता है, और इनकी शेप होती है ओवल शेप एंड डिस्कोडियल साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट। फॉर्म फ्रॉम द जेंट सेल कॉल मेगा कैरियोसाइट्स। ये जिन सेल से फॉर्म होती है उनको कहा जाता है मेगा कैरियोसाइट्स। इनमें न्यूक्लियस एबसेंट होता है, और जो ये मास हमको दिख रहा है ये न्यूक्लियस ना होके बेसोफिल सेल है, बेसोफिल्स ग्रैन्यूल्स हैं। ठीक है, और ये बेसोफिक ग्रैन्यूल्स हमें न्यूक्लियस जैसा अपियर हो रहा है। ठीक है, यदि ब्लड में प्लेटलेट्स का नंबर डिक्रीज हो जाता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और ब्लड में प्लेटलेट्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है, उसको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक है, इसका लाइफ स्पेन 7 to 12 डेज है, और इसका मेन फंक्शन है हमारे ब्लड क्लोटिंग में, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, एट द साइट ऑफ इंजरी, जब ब्लड फ्लो करना स्टार्ट करता है आउटसाइड द बॉडी, वहाँ पर ये प्लेटलेट फैक्टर होता है, ये एक्टिवेट होता है। इसमें बहुत सी प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, लाइक फिब्रोनिजन, प्रोथ्रोम्बिन, जो अदर फैक्टर को एक्टिवेट करती हैं, एंड लास्ट में एक क्लॉट की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, और ये क्लॉट ब्लड फ्लो को स्टॉप करता है। ठीक है, इसको ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, हमारे वास्कुलर सिस्टम में जो सेकंड फ्लूड सब्सटेंस होता है, एक होता है ब्लड और सेकंड होता है लिम्फ। ठीक है, लिम्फ क्या होता है, व्हाइट इन कलर होता है, वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या होती है, कि हाईली ट्रांसक्यूलेंट होता है, और जो इनकी पीएच होता है, इनका नेचर होता है एल्केलाइन होता है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ब्लड कैपिलरीज एंड बॉडी टिश्यूज में। ठीक है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, उसके बाद ये डिवाइड होती हैं आर्टीरियल्स में एंड देन कैपिलरीज में। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे ही ब्लड आएगा, और ये ब्लड वाल्स पर प्रेशर एक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी प्रेशर एक्ट करेगा। ठीक है, और ये प्रेशर एक्ट करेगा तो जो हमारे कैपिलरीज के वाल होती हैं वो परमिएबल होती हैं। ठीक है, और
सम फ्लूड लिबरेट फ्रॉम दीज कैपिलरीज, ठीक है। और ये फ्लूड जो लिबरेट होकर कहाँ पहुंच जाएगा, जो कैपिलरीज के बीच में स्पेस प्रेजेंट होगा उस स्पेस में, और इस स्पेस को कहा जाता है इंटरस्टिशनल स्पेस, ठीक है, और या टिश्यू स्पेस। और जो फ्लूड इनके बीच में प्रेजेंट होगा उसको कहा जाएगा टिश्यू फ्लूड, ठीक है। और ये किस किस से कंपराइज होता है, ये प्लाज्मा एंड ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। इसमें प्लाज्मा के कुछ कंपोनेंट जो स्मॉल इन साइज में होते हैं एंड ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। प्लाज्मा एंड ल्यूकोसाइट्स कमिंग आउट फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या होता है, ये मिडिल मैन की तरह एक्ट करते हैं, मीन्स ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं टू बॉडी टिश्यू, ठीक है। जो टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट होंगे उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, उनको फूड सब्सटेंस प्रोवाइड करेंगे एंड गैसियस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मेनली इनका फंक्शन होता है हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड सब्सटेंस एंड गैसियस, ठीक है। सो दे आर आल्सो कॉल्ड मिडिल मैन, ठीक है। ये ब्लड एंड जो टिश्यू के बीच में ट्रांसपोर्टेशन का जो वर्क होगा वो लिम्फ करेगा, ठीक है। जो लिम्फ जो सब्सटेंस ब्लड कैपिलरीज से लिबरेट हुआ है वो अमीनो एसिड ग्लूकोज एंड गैसियस कंटेन करेगा, वो टिश्यू के साथ एक्सचेंज करेगा इन सब्सटेंस का, ठीक है, और वापस से इन कैपिलरीज में एंटर कर जाएगा, ठीक है। जो लिम्फ का प्लाज्मा होता है उसका कंपोजिशन और ब्लड के प्लाज्मा की कंपोजिशन अमाउंट सेम होती है, बट इसमें जो आयंस होते हैं वो लेस इन अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेस आयन इज प्रेजेंट इन लिम्फ प्लाज्मा, ठीक है। एंड जिस प्रोसेस से लिम्फ प्लाज्मा की फॉर्मेशन होती है उस प्रोसेस को कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और सेकंड होता है जो हमारा ल्यूकोसाइट्स होता है या WBC, ये जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती है इनमें अमीबॉइड मूवमेंट शो करता है एंड बाय द प्रोसेस ऑफ डायपेडेसिस दे कम आउट फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। By the process of diapedesis, they come out from the blood vessels, ठीक है, blood capillaries, and और जो lymph में जो main component होता है WBC का वो होता है lymphocytes. मीन्स हम लिम्फ किसको कह सकते हैं, ब्लड एंड लिम्फ की कंपोजिशन सेम है बट लिम्फ कंटेन WBC एंड प्लाज्मा, ठीक है। एंड लिम्फ इज इक्वल टू ब्लड माइनस RBC प्लस सम प्रोटीन, ठीक है। मीन्स इनकी कंपोजिशन तो सेम है, ब्लड की और लिम्फ की कंपोजिशन सेम है बट ब्लड में RBC एंड कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो कि लिम्फ में प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है।